आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से करते हैं कपाल रंध्र धौती। कपाल का मतलब हुआ फोरहेड रीजन, रंध्र का मतलब हुआ पोर्स, धौती का मतलब हुआ क्लिंजिंग। तो इस क्लिंजिंग टेक्निक के साथ साथ मैं आपको कुछ और बहुत बेहतरीन सिंपल फेशियल एक्सरसाइजेस बताऊंगी, जिसका अभ्यास अगर आप करते रहते हैं तो चेहरा खिला खिला जवान नज़र आएगा, यूथफुल नज़र आएगा। साथ ही एंटी एजिंग का काम करेंगे, चेहरे पर बहुत फाइन लाइंस रिंकल्स हो जाते हैं, आंखों के आसपास काले घेरे हो जाते हैं, ये सारी समस्याओं से आपको निजात मिलेगी। साथ ही नेचुरल ग्लो आएगा तब चेहरे पर जब आपके चेहरे पर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा। साथ ही आप वीडियो को ज़रा अंत तक देखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा, मैं आपको कुछ ऐसे अमेजिंग और बेहतरीन, सिंपल होंगे अमेजिंग और बेहतरीन टिप्स बताऊंगी, जिनको आपको अपनी डेली लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है ताकि नेचुरल हमेशा चेहरा खिला खिला और जवान दिखे। अब देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। चैनल में नए आए हैं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे दिख रहा घंटी का निशान है ना, इसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि आप इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाएं। ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, उनको फॉरवर्ड कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? सबसे पहला अभ्यास, अपने हाथ की चार उंगलियों को इस तरीके से लें, अंगूठे को अंदर की तरफ मोड़कर रखें और दोनों हाथों को इस तरीके से, दोनों हाथ की उंगलियों से माथे को हल्का हल्का ऐसे रब करें, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे 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 हल्का दबाव डालते हुए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, अभ्यास शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हल्का कोई मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर लें, या कि कोई ऐसा तेल है जो आपके स्किन टाइप को सूट कर रहा है उसका इस्तेमाल कर लें, या सिंपल नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों हाथ की चार उंगलियों को ऐसे माथे पर रगड़ना है, फोरहेड रीजन पर, ऐसे कम से कम 10 से 15 बार ऐसा कर लें, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से ऐसे धीरे धीरे हल्का सा दबाव डालें। ये नहीं कि सिर्फ हाथ ऐसे पोंछना है, ऐसे नहीं, हल्का सा दबाव डालते हुए ऐसे 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 ऐसे। ये तो हो गई माथे को हमने, अब धीरे धीरे अपने जो आईब्रोज है ना, आईब्रोज की ये वाली जगह, इनको हल्का हल्का अपने थंब और इंडेक्स फिंगर की मदद से 15 से 20 बार दबाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे, ऐसे धीरे धीरे धीरे, ऐसे हल्का 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 ऐसे दबाएंगे। प्रेशर पॉइंट को दबाने से स्ट्रेस रिलीज होता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने की वजह से ही वो ग्लो आप चेहरे पर देख सकते हैं। बहुत से लोग मुंह बना के बैठे रहते हैं, उनको ना तो किसी से बात करना है, ना तो किसी की तरफ देखना है, हंसना है, मुस्कुराना है, तो बताओ ये ग्लो कहाँ से आएगा? कोई क्रीम पाउडर लगा के थोड़ा ना ग्लोइंग हो सकता है, कितना ग्लो होंगे आप क्रीम पाउडर लगा के? इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, तो 15 से 20 बार इस तरीके से अपने आईब्रोज को प्रेस कर लेना। अब आँखों के नीचे ज़रा दोनों हाथ की उंगलियों को हल्का सा अपने नाक जहाँ से शुरू हो रही है ना वहाँ पर ऐसे, और धीरे से अंदर से ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे अंदर से ऐसे बाहर की तरफ, जब यहाँ पहुँच जाए हल्का सा प्रेस करें ऐसे। इसको भी कम से कम 15 से 20 बार ऐसे अभ्यास कर लीजिएगा, धीरे धीरे ऐसे ऐसे। तो आँखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं इस तरीके से, उसमें बहुत ही ज़्यादा बेहतरी नज़र आएगी, साथ ही आँखों को आराम भी मिलेगा। ऐसे ऐसे बहुत अच्छे। तो ये हो गया अभ्यास। अब अगला अभ्यास, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को इसी तरीके से जोड़ के रखें एक दूसरे के साथ, और कान के आगे और पीछे, आगे और पीछे हल्का हल्का ऐसे ऐसे मसाज करें, आगे और पीछे। चलिए दोनों हाथों से आगे पीछे ऐसे, 2 3। आप चाहें तो ये वीडियो देखते देखते भी मेरे साथ अभ्यास कर सकते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा
और जैसे ही वीडियो ख़त्म होंगी आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ऐसे कम से कम 10 से 15 बार इसका भी अभ्यास कर लिया। अब ज़रा कान के अंदर जो है अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर ध्यान रखें, आपके नाखून जो है नेल्स हैं कटे हुए हैं, छोटे हैं, ताकि किसी भी तरीके की इंजरी ना हो कान के अंदर। तो दोनों हाथ की इंडेक्स फिंगर को अंदर डाला कान के अंदर और हल्का हल्का इस तरीके से घुमाते हुए अंदर से बाहर की तरफ ऐसे उंगलियों को घुमा के बाहर लाएं। कैसे? अंदर से बाहर की तरफ ऐसे, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे। तो इससे क्या होगा, हर वक्त हमेशा हर दिन ऐसे करते रहेंगे तो कान पे ज़्यादा गंदगी भी इकट्ठा नहीं होगी और साथ ही ये ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से आपकी हियरिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कान में दर्द हो जाए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरी ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस सुबह 7 बजे होती हैं। आपको इसकी पूरी जानकारी ये नीचे जो मैंने व्हाट्सएप नंबर शेयर किया है इस पर एक व्हाट्सएप कर दीजिए, मेरी टीम के द्वारा आपको सारी डिटेल भेज दी जाएगी। या फिर आप मेरी वेबसाइट पर विजिट करके इन क्लासेस के बारे में सारी जानकारी मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं। इन ऑनलाइन योगा क्लासेस के माध्यम से आज मैं सिर्फ देश नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हूँ, उनको अपनी निगरानी में योग का अभ्यास करवाती हूँ। उनको किसी भी तरीके की लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ जैसे कि बैक पेन की समस्या, नी पेन की समस्या, थायराइड डिसऑर्डर, डायबिटीज़ की समस्या, ब्लड प्रेशर का घट जाना, बढ़ जाना, ओबेसिटी की समस्या, पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम, पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की समस्या, सेक्सुअल डिसऑर्डर, प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत ज़्यादा इनलार्ज हो जाना, इसमें ये जो क्लासेस हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। और अगर ये समस्याएं नहीं भी हैं तो जनरल हेल्थ को अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए भी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अगर आप ग्रुप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो आप वन ऑन वन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी कंडीशन सीवियर है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए आपको मुझे एक व्हाट्सएप करना होगा या तो मेरी वेबसाइट आप विजिट कर लेना, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। अगर ये लाइव क्लासेस आप ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप मेरे रिकॉर्डेड सेशन ज्वाइन कर सकते हो, इसकी भी पूरी डिटेल आपको या तो व्हाट्सएप नंबर या कि वेबसाइट में मिल जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते हैं जिनको कि आप अपनी स्पीड से दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी वक्त कितनी बार भी अभ्यास कर सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। और जो ये क्लासेस है एकदम 100% बिगनर फ्रेंडली है, बहुत ईजी तरीके से बनाया है मैंने ये सारा सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस चूँकि मैंने डिज़ाइन किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, सीक्वेंस सारे यूनिक है, ये वीडियोस आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगी। तो जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए और चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। पता है लोगों को ना वो नहीं आएगी। अब बाहर की तरफ, अब अपने अंगूठे से कान के पीछे ऐसे धीरे से नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे प्रेस करेंगे। इसको भी कम से कम 15 से 20 बार। तो चले करें अभ्यास। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। अब आपका कान अगर बचपन में किसी ने दबाया हो वो याद आएगा। अब कान का बाहर का जो ये हिस्सा है ना, इसको हल्का हल्का दबाएं। कैसे? ऐसे 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 ऐसे। बाहर की तरफ जो कान का ये हिस्सा है इसको ऐसे 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 ऐसे। तो 5 से 10 बार इसको भी कर लें। ये ऐसे 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 बहुत धीरे धीरे आराम आराम से अपने हाथ से ही आज अपने कान को दबाना पड़ रहा है। ऐसे धीरे, अगर कान में लेडीज़ हैं इयररिंग्स पहने हुए हैं तो इयररिंग्स ज़रूर उतार दें, इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसे धीरे 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 धीरे। अब हम कान के आसपास तो सारी अच्छी तरीके से हमने प्रैक्टिस कर ली, अब ज़रा आ जाते हैं अपनी अपर लिप्स और लोअर लिप्स की तरफ। तो इंडेक्स फिंगर को अब ऐसे कैंची की तरह बनाएं वी शेप में और ऐसे धीरे धीरे हल्का रब करें। ऐसे 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 ऐसे। तो 15 से 20 बार इसका भी अभ्यास कर लिया। अब अपने गालों की बारी आती है, तो गालों को धीरे धीरे लिफ्ट करेंगे। किस तरीके से? ऐसे
नीचे से ऊपर की तरफ। कभी भी आप कोई क्रीम लगाते हैं चेहरे पर, उसको ऊपर से नीचे ना मसाज करके बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे अपने गालों को लिफ्ट करें, ऐसे ऐसे ऐसे। तो 5 से 10 बार राइट साइड और 5 से 10 बार आपने लेफ्ट साइड, ऐसे धीरे धीरे दोनों हाथ की 4 उंगलियों से धीरे धीरे ऐसे लिफ्ट करें, ऐसे। वाह भाई वाह। अब जैसे मुंह में पानी भरते हैं ना, मुंह में पानी भरते हैं, तो अब मुंह में आप हवा भरिए और इसको जोर से भर के रखिए। कैसे? नाक से सांस लिया, छोड़ दें, कम से कम 10 सेकेंड इसको रोक के रखें और मुंह में बिल्कुल भी जगह ना बचे इतनी। 2 बार और इसी तरीके से अभ्यास। सांस ले नाक से, भर ले मुंह में सांस और पूरी सांस भर के रोके। छोड़ दें, 1 बार और सांस लें। छोड़ दें। अब जैसे मुंह में पानी भरते हैं और कुल्ला करने के लिए कैसे पानी को मुंह में रोटेट करते हैं, कैसे? बार के 3 सेट ऐसे कर ले, 1 बार कर लिया, 2 बार और अभ्यास कर लें। अब जरा अपने अपर लिप्स और लोअर लिप्स, आपने हनुमान जी की तस्वीर तो देखी होगी ना, उसमें कैसे उनका चेहरा यहां पे ऐसे फूला हुआ होता है, उसी तरीके से। छोड़ दें, इसको भी 3 बार कर ले, कम से कम 15 से 20 सेकेंड होल्ड करके रखें। फिर से सांस लें, ऐसे छोड़ दें। तो ये तो मजा आ गया, बहुत अच्छी तरीके से गाल, अपर लिप्स, लोअर लिप्स सब पे काम हो गया। अब जरा फिर से मुंह पे सांस भरिए और हल्का हल्का टैप करेंगे अपनी उंगलियों से। सांस लिया, बस इतना काम करने के बाद बताइए, अगर अभी अभ्यास कर रहे थे तो लग रहा है ना कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुआ, कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। अपने आँख को, माथे को, कान को, गर्दन को, आँखों को बहुत अच्छी तरीके से तो हमने रिलैक्स कर लिया। अब ज़रा गर्दन, जिनकी जैसे डबल चिन हो जाती है ना, तो बहुत मांस झूला झूला सा लगता है गर्दन के पास से, इस समस्या को भी दूर करते हैं। तो धीरे से अपने दोनों हाथों को ऐसे अपनी जो ये कॉलर बोन है ना, यहाँ तक, यहाँ पर इसके नीचे ऐसे दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख दें। डजंट मैटर आप कौन सा हाथ ऊपर या कौन सा हाथ नीचे रख रहे हैं, जो आपकी श्रद्धा हो, और अच्छी तरीके से थोड़ा सा दबाव बना के रखें। अब धीरे से सांस लें और छत की तरफ देखें, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सांस छोड़ते हुए ऐसे सामने देखें। तो 5 से 10 सेकेंड सीलिंग की तरफ देखेंगे, सांस लें, और सांस को छोड़ दें, ऐसा 1 बार और। आप इसका अभ्यास कम से कम 5 से 10 बार कर लीजिएगा। सांस लिया, और सांस को छोड़ दिया, ऐसा। अब अगले 2 बार इसी तरीके से गर्दन को लिफ्ट करेंगे, बहुत टेंशन मत दे दीजिएगा गर्दन में, लिफ्ट करेंगे और साथ ही अब पाउट बनाएंगे मुंह का। पाउट कैसे बनाते हैं, जो लोग सेल्फी लेते हैं बहुत ज़्यादा उनको पता होगा कैसे पाउट बनाते हैं, ऐसे। और किसेस भेजेंगे टुवर्ड्स द सीलिंग और
स्काई, अगर आसमान के नीचे कोई अभ्यास कर रहा है तो आसमान की तरफ किसेस भेजिए, कमरे में कर रहे हैं तो सीलिंग की तरफ, छत की तरफ। दोनों हाथों को वापस से ऐसे छाती के ऊपर रख लिया, सांस लिया, छत की तरफ देख रहे हैं और किसेस भेजें कम से कम 10 से 20 बार। ऐसे तो इसका भी अभ्यास 10-10 के रिपीटेशन कर लें और 3 सेट अभ्यास कर लें तो इससे गर्दन की मांसपेशियां भी बहुत अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लिए। अब चलिए करते हैं सिकाई। तो हाथों की हथेलियों की जो गर्माहट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे पूरे के पूरे मांसपेशियों को, चेहरे की मांसपेशियों को हल्की गर्माहट देने से पोर्स बहुत अच्छी तरीके से आपके ओपन होते हैं। तो दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ ऐसे धीरे धीरे रगड़ें और जब आपकी हाथ की हथेलियों के बीच में गर्माहट महसूस होने लगे ना, तो धीरे से अपने आँखों को ऐसे कवर कर लें और आँखों को आराम दें। दो बार और दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ें एक दूसरे के साथ, अच्छी तरीके से रगड़ें, गर्माहट महसूस करें, फिर से रख दें। तो ऐसा 5 से 7 बार आप अभ्यास कर लें, आँखों को भी रिलैक्स मिल जाएगा, रिलैक्सेशन हो जाएगी। अब फिर से दोनों हाथ की हथेलियों को धीरे धीरे रगड़ें और 5 से 7 बार अपने गालों पर दोनों हाथों को रखेंगे, ऐसे रगड़े 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 और दोनों हाथों को ऐसे अपने, अब हाथ की हथेलियों को अपने गालों पर रखे, गालों की भी अच्छी खासी सिकाई कर लें जिससे कि काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगी आपकी आंखें, तो रिलैक्स हो गई हैं, इसी तरीके से गालों को भी की मांसपेशी को भी रिलैक्स कर लें, इससे आपके पोर्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं। और फिर उसके बाद गर्दन की भी इसी तरीके से सिकाई करेंगे, दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ें एक दूसरे के साथ, अब धीरे धीरे अपनी गर्दन को नीचे से ऊपर की तरफ आराम से ऐसे मसाज करें अपवर्ड डायरेक्शन में। कभी भी अब आप जब क्रीम वगैरह लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, तो नीचे से ऊपर की तरफ हमेशा अपने हाथों की डायरेक्शन रखा कीजिए। तो अब बारी आती है उन बोनस टिप की जिसकी कि मैंने बात करी थी वीडियो के शुरुआत में। सबसे पहला, अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ के अगर सुबह ध्यान लगाते हैं तो इससे चेहरे पर एक प्राकृतिक नेचुरल ग्लो आएगा, साथ ही स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस जब कम होगा तो ऑटोमेटिकली ग्लो बाहर आएगा। साथ ही सुबह सुबह उठ के सनराइज़ देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा, सनराइज़ देखते हैं तो सूरज की किरणें आपके शरीर में पड़ती हैं, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। रात में वक्त से सोइए और सुबह जल्दी उठिए, भरपूर अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट। हाँ, कुछ एज ग्रुप हैं या किसी हेल्थ कंडीशन या ध्यान का अभ्यास करते हैं तो ये जो टाइम है इसको रिड्यूस किया जा सकता है, बट इन जनरल 7 से 8 घंटे की नींद लीजिए। प्रॉपर हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, हाइड्रेशन के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, पानी कितना पीना चाहिए उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी। साथ ही आपकी जो ईटिंग हैबिट है उसको सही करना पड़ेगा, वो हेल्दी और क्लीन ईटिंग हो। और साथ ही हर दिन 1 घंटे योग का अभ्यास, आसन प्राणायाम ध्यान का अभ्यास ज़रूर से ज़रूर करना है। कभी भी अपने चेहरे पर कोई क्रीम अप्लाई करें ना तो उनको बहुत रगड़ रगड़ के, बहुत से लोग ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, बहुत ऐसे रगड़े ना, अपने अपने हाथ की 4 उंगलियों पर आप आराम से क्रीम ले लें और उसको हल्का 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 टैप करें ऐसे, तो इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होगा और आपकी जो क्रीम है वो बहुत अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब होगी। आई एम श्योर कि आप जो भी क्रीम इस्तेमाल करते होंगे तो आपके चेहरे के हिसाब से ही होगी, तो अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब भी होगी और टैप करने से अच्छी तरीके से उस स्किन को, वो स्किन में एब्जॉर्ब भी होगी। और आज की सबसे आसान फेशियल एक्सरसाइज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसको किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, इस तरीके से मुस्कुराना। आपकी मुस्कुराहट जितनी अधिक होगी आपके चेहरे पर उतना ही ज़्यादा आपका चेहरा खूबसूरत लगेगा। डजंट मैटर आप किस रंग के हैं, डजंट मैटर आप किस उम्र के हैं,
अगर चेहरे पर एक बड़ी स्माइल रहती है तो कभी भी आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस जल्दी देखने के लिए मिलेगी नहीं, और चेहरा हमेशा खिला खिला जवान दिखेगा। तो जितना हो सके दिल खोल के हंसिए, लोगों से मिलिए, मुस्कुराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी वक्त किया जा सकता है ना, बहुत सिंपल और इजी। तब देखिए किस तरीके से नेचुरली आप ग्लो करते हैं, और स्ट्रेस को दूर भगाते ही कैसे ग्लो आपके चेहरे पर ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे शरीर पे देखने के लिए मिलेगा। तो देखा आपने कितने आसान, कितने इजी थे ना ये सारे फेशियल एक्सरसाइजेस, और साथ ही कपाल रंध्र धौती का भी अभ्यास हमने सीख लिया। और दिन में किसी भी वक्त इसका अभ्यास कीजिए और नेचुरल ग्लोइंग खिली खिली त्वचा पाइए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का अटूट हिस्सा बन जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे कि मेरा उत्साह और भी ज़्यादा बढ़े, और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप चाहते हैं आपके सजेस्ट किए हुए किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो बिना झिझक के मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं। अपना ध्यान रखिए, अगली वीडियो में अगले हफ्ते फिर से शनिवार के दिन सुबह 6 बजे हाजिर हो जाऊँगी। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखें। नमस्ते।